नमस्ते आप सबको, मैं हूं ज्योति अस्नादा गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। तो सर्दियां आ गई, बट अगर आप किसी सर्दियों में भी ऑयली कॉम्बिनेशन रहते हो और आपको सर्दियों में भी चाहिए एक लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जो कि स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज तो कर दे, नरिश तो कर दे, बट चिपचिपा बिल्कुल भी ना बनाए, तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही जबरदस्त मॉइस्चराइजर शेयर करने वाली हूं, जिसे मैं खुद जब से कह लीजिए विंटर स्टार्ट हुआ है तब से यूज कर रही हूं एंड आई एम इन लव विद दिस मॉइस्चराइजर। और मैं यहां पर बात कर रही हूं द डर्मा को के इस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर की। ये मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री तो है लेकिन ये स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। राइट नाउ मेरी स्किन बिहेव कर रही है कॉम्बिनेशन, गर्मियों में ऑयली होती बट फिलहाल कॉम्बिनेशन है, तो मुझे कोई ऐसा मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना जो कि बहुत ज्यादा हैवी हो। मुझे चाहिए लाइट वेट लेकिन सर्दियों के हिसाब से मेरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करे। तो इसको मैं टेस्ट कर रही हूं कह लीजिए लगभग पिछले 20-25 दिनों से, और आज मैं इसका डिटेल रिव्यू आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए फटाफट से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये है द डर्माको का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसकी प्राइस की बात करूं तो ये 349 रुपीज का आता है, जिसमें 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटीज की चाहिए होती तो ये एक जो ट्यूब है ना ये काफी लंबी चलने वाली है, और आप हमेशा की तरह द डर्माको की वेबसाइट पर मेरा कूपन कोड तो यूज कर ही सकते हो, जिसको यूज करने से आपको द डर्माको के किसी भी प्रोडक्ट पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है और इसको आप द डर्माको की वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, और उसके अलावा अमेजॉन, नाइका एंड फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हो। तो जो भी इसके परचेज लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेंशन कर दिया, आप चेक कर लीजिएगा। पैकेजिंग की बात करूं तो जो मॉइस्चराइजर की ट्यूब है वो इस तरीके के स्टैंडर्ड डर्माको बॉक्स में आती है, और आप देख ही सकते हो कि जो एक्चुअल मॉइस्चराइजर वो इस तरीके की ट्यूब में आता है विद दिस कैप, तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है इसको लेकर ट्रैवल करना, स्पिल होने के कोई चांसेस नहीं हो। बात करूं मैं की इंग्रेडिएंट्स की तो इस मॉइस्चराइजर में यूज कर गया हाइलुरोनिक एसिड, और हाइलुरोनिक एसिड विंटर्स में तो कुछ ज्यादा ही जरूरी हो जाती है क्योंकि एक ऐसा नेचुरली अकरिंग इंग्रेडिएंट है ना जो कि स्किन को काफी लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रखता है, क्योंकि ये मॉइस्चर को कह लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेता है हमारे स्किन में, जिससे हमारी स्किन काफी लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रहती है और साथ साथ में प्लम्प बनी रहती है। उसके अलावा इसमें यूज करेंगे सेरामाइड्स का, जो कि हमारे स्किन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारी स्किन को सॉफ्ट सप्पल मॉइस्चराइज रखते हैं, नरिश रखते हैं। एंड मैं हमेशा कहती हूं कि ऑलवेज यूज अ मॉइस्चराइजर विथ सेरामाइड्स, स्पेशली इन विंटर सीजन, क्योंकि हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और ये ना हमारे स्किन के बैरियर को भी स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। अगर बैरियर डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, बेसिकली हमारे स्किन को हेल्दी रखने का काम करते हैं। तो ऑलवेज यूज अ मॉइस्चराइजर विथ सेरामाइड्स, स्पेशली अगर आप विंटर्स में यूज कर रहे हो या फिर आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो चुका है। और साथ ही साथ में इस मॉइस्चराइजर में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इनफैक्ट द डर्माको के सारे ही प्रोडक्ट जो है वो फ्रेग्रेंस फ्री है, तो अगर आपकी स्किन फ्रेग्रेंस इरिटेट होती है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक बार दिखाती हूं मैं आपको इस मॉइस्चराइजर की कंसिस्टेंसी, टेक्सचर का क्लोजअप, तो आप देख सकते हैं कि कैसा सा है ये। ऐसे देखने में काफी थिक एंड क्रीमी लग रहा है ना, बट जैसे ही आप स्किन में लगाओगे ना, देखो कैसे विद इन सेकेंड्स ये ब्लेंड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये काफी लाइट वेट है फिर भी ये स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है और बहुत लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रखता है। अपने एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो इस मॉइस्चराइजर को मैंने मॉर्निंग एंड नाइट टाइम दोनों स्किन के रूटीन में यूज किया है एंड मेरी स्किन फिलहाल कॉम्बिनेशन बिहेव कर रही है, तो मुझे ऐसा मॉइस्चराइजर चाहिए था जो कि लाइट वेट हो और स्किन को मेरे ग्रीसी ना बनाए बट फिर भी अच्छे से मॉइस्चराइज करे। मेरी स्किन ऐसे ड्राई सी खिंची खिंची जैसे लगती है ना सर्दियों में, वैसे बिल्कुल भी ना लगे, और ये एग्जैक्टली वही करता है जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये काफी लाइट वेट है, एकदम आराम से स्किन में ब्लेंड हो जाता है बट स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, और बेस्ट चीज है कि बहुत लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रखता है। तो फिलहाल अगर आप एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर देख रहे हो, अगर आपकी स्किन विंटर में भी ऑयली कॉम्बिनेशन बिहेव करती है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, कई लोगों की शिकायत होती है कि सर्दियां आती है ना हमारी स्किन बहुत ही डार्क होने लगती है या डल होने लगती है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा ब्राइटनिंग सीरम बता रही हूं। तो मेरा फेवरेट जो ब्राइटनिंग सीरम है वो है द डर्माको का 10% वाइटामिन सी सीरम। तो इसमें 10% ऑफ वाइटामिन सी यूज करेंगे और जो फॉर्म यूज करेंगे वो मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ वाइटामिन सी होता है, और वाइटामिन सी हम सबको पता है स्किन को बहुत
बहुत ही अच्छे से ब्राइटन करने का काम करता है। इसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो सन डैमेज से भी ये स्किन को प्रिवेंट करता है। तो वाइटामिन सी को आप आपके मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में लगाइए, साथ में सनस्क्रीन लगाइए, तो सन डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा ही, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। साथ ही साथ में स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देगा, डार्क स्पॉट्स को कम करने का काम करेगा, डलनेस को दूर करेगा। और साथ ही साथ में इस सीरम में 5% ऑफ नाइसिनामाइड का भी यूज करा गया, जो कि एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B3 होता है। नाइसिनामाइड एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, एनलार्ज पोर्स को सही करने का काम करता है, साथ ही साथ में आपके जो एक्ने पिंपल के मार्क्स डार्क स्पॉट्स है ना, उसको भी रिड्यूस करता है। तो इसमें विटामिन सी तो है ही, साथ साथ में नाइसिनामाइड भी यूज करेगा, तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो है इन दोनों इंग्रीडियंट्स का। स्पेशली अगर आपको विंटर में डलनेस या फिर ऐसा लगता है कि स्किन बहुत ही काली सी हो रही है, डल हो रही है, डार्क हो रही है, तो उसके लिए ये काफी अच्छा सीरम है। अच्छा बता दूं आपको, द डर्मा को हैज एम्पावर्ड 10,000 प्लस स्टूडेंट्स दिस ईयर अंडर देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। क्योंकि जब भी हम उनकी वेबसाइट से कुछ बाय करेंगे तो हमारे ऑर्डर को लिंक करेंगे एक चाइल्ड से, जिससे वो हेल्प करेंगे एजुकेट करने में अलॉन्ग विथ भूमि। सो या ये था मेरा रिव्यू द डर्मा को के ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर के लिए। इफ यू हैव नॉर्मल कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन ऑफ विंटर में ऑयल फ्री लाइट वेट नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजर देख रहे हो, जो कि स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करे, नरिश करे, हाइड्रेटेड रखे, बट फिर भी ग्रीसी ना बनाए, चिपचिप वाली फीलिंग ना देना, तो आप ये मॉइस्चराइजर जरूर ट्राई करेगा। मेरी तरफ से मैं इसको बिग थम्स अप देती हूँ। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर और नमस्ते।